हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्रिय साथियों, आज के इस कार्यक्रम में, इस एपिसोड में जो हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, ये आपके मंथली लव राशिफल मई 2022 के विषय में बात कर रहे हैं, जिसको चाहे आप मासिक राशिफल, मासिक लव राशिफल कह दें या मंथली लव राशिफल कह दें, बात एक ही है। और ये मई 2022 का है और ये जो चर्चा हमारी आपके साथ चलेगी 12 के 12 लगन राशियों को लेकर के, मेष से लेकर और मीन तक, ये सब लगन राशि पर ही आधारित होगा। सारा पूरा हमारा एपिसोड चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, तो आप अपनी कुंडली देख सकते हैं, उसमें जो लगन चार्ट है और जो लगन भाव में जो राशि है, यानी कि लगन राशि जो है, उसी के आधार पर आप इसको देखें, सुने, समझें, तभी आपके ऊपर चीज़ें फिट बैठेंगी। तो देखिए, अभी जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, ये जो मिथुन लगन के जातक हैं उनके विषय में बताएंगे, यानी कि जेमिनी असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं उनके विषय में बताएंगे कि ये मई 2022 का महीना आपके लव अफेयर्स को लेके, लव मैरिज को लेकर के, और भी चीज़ें हैं उनको लेकर के कैसा रहेगा। और जैसा हम बताते हैं हमेशा कि पहली बात करेंगे हम जो सिंगल हैं अभी तक पूर्ण रूप से, जिनका कोई मित्र नहीं बना है या उन्होंने बनाया नहीं था, जो भी वजह है, उसके पीछे कोई भी रीज़न है, उसमें हम नहीं जाएंगे। बस आपको उनके विषय में बताएंगे कि भाई ये मई 2022, क्या आपको इस महीने कुछ हैं इस प्रकार की संभावना, पॉसिबिलिटीज़ कि आपका कोई मित्र बन सके। आगे बात करेंगे, नंबर दो पॉइंट हम लेंगे कि जो पहले से ही रिलेशनशिप में हैं, यानी कि जिनके लव अफेयर्स चल रहे हैं, उनके केस में कितनी उनको प्रोग्रेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितना वे आगे बढ़ पाएंगे। फिर बात करेंगे नंबर तीन, जो मैरिड कपल्स हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा जाएगा इस महीने। और उसके बाद नंबर चार पर बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की, कि भाई कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त भी उनके कहीं ना कुछ संबंध बने होते हैं। हालांकि ये चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी क्या किया जा सकता है, वो भी सब ग्रहों के ही कारण होती हैं चीज़ें। और अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के विषय में, कि देखिए जो पहले एक साथ थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, कुछ के केसेस में तो ऐसा हुआ होगा कि चाहे वो सेपरेशन हुआ हो, ब्रेकअप हुआ हो, और कुछ के केसेस में ये भी हो सकता है कि ना चाहते हुए भी उनको कहीं अलग जाना पड़ा हो, कुछ इस प्रकार के सर्कमस्टांसेस बन गए हों कि उनको कहीं अलग जाना पड़ गया हो, दूर चले जाना पड़ा हो, जिसके कारण से उनका आपस में मिलना जुलना संभव नहीं हो पा रहा हो, और अब वो उनमें से कोई एक ये चाहता हो कि भाई हम आपस में दोबारा एक दूसरे के करीब आएँ, मिलें और चीज़ों को आगे बढ़ें, तो क्या उस बात के लिए ग्रहों का आपको सपोर्ट मिलेगा इस महीने मिथुन लगन के जातकों को, ये सारी बातें आपसे करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो सिंगल हैं। मेरे प्रिय साथियों, मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से आप मिथुन लगन के जातकों को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपने कोई अपना मित्र बनाया हुआ है, अपने मन ही मन कोई बना रखा है और अभी तक आपने उसको प्रपोज़ नहीं किया है, तो अभी ना करें प्रपोज़, क्योंकि अगर आप प्रपोज़ करेंगे तो इस बात की बहुत अधिक संभावना भी है कि विशेष रूप से 15 मई तक, 1 मई से लेकर 15 मई के बीच में, कि आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट ना किया जाए या रिजेक्ट कर दिया जाए। और 23 मई से जब शुक्र आएंगे अपना राशि परिवर्तन करके, 23 मई से लेकर माह के अंत तक का जो समय होगा उसमें कुछ बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात और भी कहना चाहता हूं इस बात के अतिरिक्त, देखिए आपके पास मैरिज प्रपोजल भी आएंगे और मैरिज का भी बहुत अच्छा और बड़ा मजबूत योग बन रहा है जो कि 1 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक बनेगा, 1 मई से 23 मई तक के बीच का है समय, जिसमें यह बड़ा विवाह के लिए बहुत मजबूत योग है मैरिज के लिए। तो अगर आपके पास प्रपोजल है तो आप जितना जल्दी हो सके उसको फाइनल कर दें, क्योंकि वैवाहिक जो ये योग होते हैं विवाह के लिए,
ग्रहों की ओर से, ये हमेशा नहीं बनते हैं। और इतने अच्छा और इतना मजबूत योग जो ये बना हुआ है, तो इसका लाभ ले लीजिए। अगर वाकई आपको कोई पसंद भी है, लेकिन अगर आपने प्रपोज नहीं किया है, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, और आपने 15-16 मई तक अगर पहले ही या 15-16 से पहले या 15-16 तक अगर आप प्रपोज करते हैं, तो इस बात की अधिक संभावना है कि वो रिजेक्ट हो जाए या वो उस पर उसको कंसीडर ही ना करें आपके प्रपोजल को, फिर आपको भी उसके लिए तकलीफ होगी। तो इसलिए आपसे कह रहे हैं कि क्योंकि ग्रहों का सपोर्ट है नहीं 15-16 तक, आपको मई तक। अगर आपके पास या आपके माता पिता के पास प्रपोजल आ रहे हैं, तो विवाह का बहुत मजबूत योग है, फाइनल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर वाकई आप ये चाहते हैं, नहीं मैंने अपना कोई साथी ही चुन रखा है और मैं उसी के साथ, तो फिर हमने आपको उसके लिए भी समय दिया है, वो फिर 23 तारीख से चीज़ें आगे चलेंगी, तो आप 23 के बाद ही कुछ ऐसा आगे एक्शन लें अगर आप चाहते हैं तो। मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं, दोनों रास्ते बता दिए। अब बात करेंगे जो पहले से लव रिलेशनशिप में है, यानी कि ऑलरेडी उनके अफेयर्स चल रहे हैं, तो इस महीने किस बात की चांसेस हैं, क्या विवाह करने की अगर प्लानिंग है तो हो पाएगा, या फिर रिलेशनशिप में ही अभी इतनी मजबूती नहीं आई है कि भाई आगे विवाह के विषय में बात की जा सके, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या है कि अगर आप पहले से ही रिलेशनशिप में हैं, यानी कि अफेयर्स आपके चल रहे हैं, तो ये जो महीना है ये ऐसा महीना है प्रिय साथियों कि ये अगर आप चाह रहे हैं कि भाई हम रिलेशनशिप में हैं और काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आपके बीच में, इंटीमेसी बहुत अच्छी हो गई है, और आप मैरिज की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप सोच विचार ज़्यादा ना करें। 1 तारीख से 23 मई तक के बीच का विवाह का योग है आप मिथुन लगन के जातकों के लिए, कर दें ये शुभ कार्य, संपन्न हो जाएगा बड़े आराम के साथ। और अगर आपने 23 तारीख से ऊपर डिले कर दिया, फिर बात नहीं बनेगी, बहुत ही मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। और अगर आप ये चाहते हैं कि भाई मित्रता भी बनी रहे, शादी ना करें, तो वो तो आपका अपना डिसीजन है, मित्रता में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, मित्रता को लेकर के भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी मजबूती दिखाई दे रही है, आपकी स्ट्रांग रिलेशनशिप रहेगी, बहुत अच्छी प्रोग्रेस होगी आपके अफेयर्स में। और जो ऐसे हैं कि जिनका एक तरीके से अफेयर अभी नहीं शुरू हुआ है, तो मैंने कहा कि 23 तारीख के बाद का वो समय होगा कि जब आप के द्वारा किए गए प्रयास या जो एफर्ट आप डाल रहे हैं, उनके रिजल्ट आपको 23 के बाद मिलेंगे, माह के अंत के बीच में 23 तारीख से लेके, तब आपको सफलता मिलेगी। मैरिड कपल्स के बारे में क्या बताना चाहता हूँ आपको, देखिए मैरिड कपल्स की जो लाइफ है, मैरिड लाइफ, उनका जो वैवाहिक सुख है, उसका भरपूर आनंद इस महीने आप लेने वाले हैं, भरपूर आनंद वैवाहिक सुखों का, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने की आपके वैवाहिक सुखों में, पूरा आप आनंद लीजिए, पूरे महीने लीजिए। और बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कि भी अगर बात करें आपसे, तो आपको बता दें कि ये जो महीना है, आप मिथुन लगन के जो जातक हैं, आपके लिए एक तरीके से ये जो जिनके पहले से चल रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, उनके लिए तो बहुत अच्छी खासी प्रोग्रेस दिखाई दे रही है हमें, और जिनके नहीं भी चल रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार के योग बन रहे हैं कि आपको या तो कहीं से आपको कुछ इस प्रकार के संकेत मिले, और जब कहीं से संकेत मिलते हैं तो कई दफ़ा क्या होता है, व्यक्ति ना चाहते हुए भी आगे बढ़ जाता है, ना चाहते हुए भी। कई दफ़ा क्या होता है कि दोनों तरफ से बात चलती है, कई दफ़ा क्या होता है सामने से बात आई, तो फिर व्यक्ति भी का भी मन है, दिल है, वो भी ये सोचता है चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, क्या बुराई है। तो ये इस महीने जो है आप मिथुन लगन के जातकों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी जो हैं बहुत अधिक संभावना है, और उसमें प्रगति की भी संभावना है। और विशेष रूप से मैं आपको बता दूं, यूं तो माह के आरंभ से ही ये है माह के अंत तक, लेकिन माह के आरंभ से और माह मध्य तक का जो समय होगा, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, कभी आपको कुछ डाउट होगा, पता नहीं भाई क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रही, कभी आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, ऐसा सोचेंगे आप, ऐसा विचार आएंगे आपके मन में,
बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं रहेगी। लेकिन 17 मई के बाद से लेकर माह के अंत तक का जो समय है उसमें तो बहुत अच्छी इंटीमेसी आपकी बनती दिखाई दे रही है, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी आपकी और आपके उस मित्र के बीच में, और ये रिलेशनशिप काफ़ी आगे जा सकती है। तो ये स्थिति आपकी रहेगी। अब आते हैं अंत में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के कि भाई कैसी स्थिति रहेगी। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ प्रिय मित्रों, जो मेरे वो साथी जिनका अब नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप चल रहा है, यानी कि अब वो कॉन्टैक्ट में नहीं है हाल फिलहाल, लेकिन उनमें से किसी एक की या दो की, दोनों की ये इच्छा है कि भाई हाँ ये दोबारा से इसको रिवाइव करना चाहिए रिलेशनशिप को, समय आ गया है, अब हमें बहुत समय हमने निकाल लिया अलग रह करके, तो देखिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ प्रिय साथियों कि 1 मई से लेकर के जो 17 मई तक का टाइम है, इसमें जो भी प्रयास आपके द्वारा होंगे उसमें आपको सफलता हाल तो मिलनी नहीं, और अगर मिलेगी भी तो बहुत ना के बराबर, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, बहुत थोड़ी बहुत। लेकिन हाँ मैं तो फिर यही बात बोलूँगा, क्योंकि 17 मई से और आगे तक पूरे महीने के अंत तक फिर आपकी इस बात की काफ़ी अधिक संभावना है कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि प्रयास जारी रखें, बेशक चाहे 17 मई तक इतने बढ़िया रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, लेकिन 17 मई के बाद पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बन गई है। तो आप प्रयास अपने कंटिन्यू रखें, एफर्ट कंटिन्यू करते रहें अपने, तो रिजल्ट्स तो मई के एंड तक आपको मिल ही जाने हैं। ये ग्रहों की ओर से जो संकेत है हम उसके आधार पर आपको बोल रहे हैं, ना कि अपनी ओर से, इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि प्रयास करते रहिए, सफलता मिलने की काफ़ी अधिक संभावना है आप मिथुन लग्न के जातकों को इस महीने। तो मेरे प्रिय साथियों ये था आप मिथुन लग्न के जातकों का मंथली लव राशिफल मई 2022 का। आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। आप अपने फ्रेंड सर्किल में, सोशल सर्किल में इसको जितना भी ज़्यादा करेंगे दूसरे लोग भी इससे लाभ ले पाएंगे। और अगर आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड नए वीडियोस डिफरेंट टॉपिक्स पर बनते ही हैं, वे भी डायरेक्ट आप तक पहुँचें, उनकी नोटिफिकेशंस भी आप तक पहुँचें, तो फिर सोचना क्या है, बेल आइकन आप देख रहे हैं कर दीजिए पुश इसे, यही हमारा आपसे कहना है। तो इसी के साथ मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद, जय माता दी।